यहां पर जो प्रश्न हमें समझना है वो है प्रकाश के गुण यानी क्वालिटी ऑफ लाइट। प्रकाश क्या क्या गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या क्या घटनाओं को प्रदर्शित करता है, आपके बहुत सारे आंसर पिछले वीडियोस में मिल चुके। जैसे कई बार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो कई बार अपन पढ़ चुके। तो पहला गुण हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, अब जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, नंबर दो। नंबर तीन, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये दो तीन गुण, सीधी रेखा में गमन करता है। देखते हैं और आगे चलते हैं क्या होता है, सात रंगों से मिलकर बना होता है। लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश का भाग है। तो आप समझ गए होंगे, अब कोई कह दे इसकी आवृत्ति तो हम आपको बता देंगे कि इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम, अवरक्त प्रकाश से ज्यादा, तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो परावेगनी से ज्यादा और अवरक्त से कम होती है। देखते हैं, प्रकाश का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंख की रेटिना, हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मात्र दृश्य प्रकाश ही हमारी रेटिना को प्रभावित कर सकता है। हालांकि रेटिना और फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इफेक्ट होता है वो विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। क्यों? क्योंकि इन किरणों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए, रेटिना को प्रभावित करने के लिए और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने के लिए विद्युत क्षेत्र ही उत्तरदायी है। अगला देखते हैं, लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश के संचरण के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, न ठोस न द्रव न गैस अर्थात वे निर्वात में चल सकती है। चूंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक भाग है, यानी प्रकाश खुद एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह निर्वात में भी चल सकता है। ओके, अगला देखते हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि इसके संचरण की दिशा और इसमें दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत। काय की दिशा? संचरण की दिशा और दोलन की दिशा। अतः प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। एक बात और है, अनुप्रस्थ तरंग है तो ध्रुवण के गुण को भी प्रदर्शित करेगी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें कभी ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः यह ध्रुवण के गुण को ही प्रदर्शित करेगी। यह अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतरिक परावर्तन, सारे गुणों को प्रदर्शित करेगी और साथ में ध्रुवण के गुण को भी प्रदर्शित करेगी। ओके, देखते हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तो हम कई बार पढ़ चुके कि इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वो दोनों दोलन करते हैं एक दूसरे के लंबवत। ओके, फोटोग्राफी प्लेट एवं आंख के रेटिना को प्रभावित करने के लिए मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र उत्तरदायी। फिर वही बात, चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत के ही भाग है, चुंबक के ही भाग है, लेकिन आपकी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो विद्युत क्षेत्र बनाता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्र बनाता है वो एक्चुअली विद्युत क्षेत्र बनाता है। ओके, आगे देखते हैं, प्रकाश तरंगे परावर्तन, मैंने जस्ट अभी एक सेकंड पहले बताया, प्रकाश तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्रुवण। देखें जरा, ध्रुवण क्यों? क्योंकि ध्रुवण मात्र अनुप्रस्थ तरंगें प्रस्तुत करती हैं। ध्रुवण की घटना मात्र अनुप्रस्थ तरंग ही दर्शा सकती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें कभी भी ध्रुवण की घटना को नहीं दर्शाती। मैं याद दिला दूं, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अतः यह ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अतः यह ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करती है। बाकी जितने गुण हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रस्तुत कर सकती है, यानी बाकी की घटनाएं ध्वनि भी प्रदर्शित करती है और प्रकाश भी प्रदर्शित करता है। ओके, आगे देखते हैं, प्रकाश का आंख पर प्रभाव,
जब भी प्रकाश की किरणें हमारे रेटिना पर एक चित्र बनाती है तो 1/16 सेकंड यानी सेकंड के 16वें हिस्से तक हमारी आंख पर बना रहता है। ओके, देखें प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। एक बात और हम आपको बता दें कि वैसे तो प्रकाश एक तरंग माना गया है, यानी प्रकाश को चलना चाहिए ऐसा, लेकिन प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम है। तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये हमें सीधी चलती नजर आती है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दिखना जरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने का मतलब क्या है, ये पानी से कांच में या कांच से पानी में, सीधी बात विज्ञान को मतलब घनत्व से, ऐसे दो माध्यमों में आर पार जाता है जिनके घनत्व अलग अलग हैं, तब दो चीजें इसकी बदलती हैं। ध्यान रखना, तरंग दैर्ध्य और वेग, तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है जबकि प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ध्यान रखना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्ध्य और वेग बदल सकता है लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। देखते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तब उसकी चाल बदल जाती, चाल यानी वेग, मैंने अभी बताया, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। चलिए देखते हैं, प्रकाश की एक किरण श्वेत होती है, सफेद होती है, लेकिन इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यदि हम इन्हें ऊपर से नीचे की ओर लिखें, कौन कौन? हमने कहा बैंगनी, जामनी। आगे देखते हैं, इसका चित्र हमने आपके लिए दिखाया है, देखते हैं। ये देखिए, हमने आपसे कहा बैंगनी, ये देखें बेजानी हैप्पी नाला, या एक बात हम लिखना भूल गए हैं, यहां पर है जामनी, देखने जरा, बैंगनी जामनी, बे जा नी हैप्पी नाला। ओके, अब इसे एक बात ध्यान रखिए जरा, जो आपको पता करना है वो ये है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहां पर ऊपर से नीचे की ओर अगर देखें, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो आवृत्ति कम होती जाती है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, आवृत्ति कम होती जाती है, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी की और सबसे कम आवृत्ति लाल की। उल्टा, अब आवृत्ति से जुड़ी है ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी की और सबसे कम ऊर्जा लाल की, लेकिन तरंग दैर्ध्य देखें तो उल्टा ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ता है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। ध्यान रखना एक बात और, जब तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य पर ही निर्भर करता है वेग, यानी जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ता है वेग बढ़ता है, यानी यहां वेग कम, ज्यादा 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 ज्यादा, तो सबसे कम वेग बैंगनी का, सबसे ज्यादा वेग लाल का। एक बात और याद रखिएगा, प्रकीर्णन, बिखरना, बिखरना, रंगों का बिखरना भी हमेशा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य के उल्टे पर। जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उनका प्रकीर्णन कम होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। ये सारी जानकारियां अब आपको मिलने वाली हैं। देखें जरा, ये सारी जानकारियां अब देखें, एक चित्र आपके लिए ये बनाया है। देखें, सबसे पहली बात, इसमें आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी। पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों में पहले कौन सी थी? गामा किरणें। फिर कौन सी? एक्स किरणें। फिर कौन सी? परावैगनी किरणें। फिर ये दृश्य है, तो दृश्य के ये 7 रंग हैं। देखें आप, दृश्य के ये 7 रंग हैं, बाकी फिर अवरक्त हैं, लघु हैं और ये सारी किरणें तरंग हैं। लेकिन यहां पर ये देखें, बेजानी है पी नाला ऊपर से नीचे की ओर, तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ रहा है, 400, 450, 500 और ये देखें 700 तक। तो 400 से लेकर के 700 तक के भाग को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। ओके, और आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा, तो हम देखते हैं प्रकाश के रंग उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, रंग पर निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है रंग, दोनों बातें एक ही हैं। देखते हैं, इन रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है।
बैंगनी से लाल की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती, एडजस्ट भी बताया, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम जबकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य पर ही सॉरी चाल निर्भर करती है, अर्थात सबसे कम चाल आएगी बैंगनी की और सबसे ज्यादा चाल आएगी लाल की। वही देखें, हम समझा चुके, बैंगनी रंग का वेग सबसे कम, बैंगनी रंग का वेग सबसे कम और लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा। मैं ये बात भी आपको डिफाइन कर चुका। आवृत्ति के मामले में देखें तो ऊपर आवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊपर कौन सा रंग था? बैंगनी। आवृत्ति सबसे ज्यादा, आवृत्ति कम 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 कम, यानी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक जबकि लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। और मैंने सारी चीजें दृश्य प्रकाश के बारे में आपको समझा दी। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति और तरंग रेर, इन दो चीजों को आपको टारगेट करके चलना है। आवृत्ति ऊपर ज्यादा फिर कम 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 कम, और तरंग रेर ऊपर कम नीचे ज्यादा 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 ज्यादा। ओके,